सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच। रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया समरथ अकथ अगोचर तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया।
मेहरबान साहेब मेहरबान मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान जी सकल को देता जी सकल को देता जी सकल को चिम चिम अमृत
सब सृष्टि सेवे दिन रात जियो दे कान सुनो अरदास जियो ठोक बजाए सब डिठियो तुस आपे लयन छड़ाए जियो सब सृष्टि सेवे दिन रात जियो हे निरंकार हे गुरु नानक सारी सृष्टि तेरी आराधना कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तेरे आगे पुकार कर रही है और तू सबकी आवाज सुन रहा है। देख कान सुनो अरदास जी, ठोक बजाए सब डिठिया, तुसे आपे लैन छड़ाए जी। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है। पाछा कह रहे हैं मैंने ठोक बजा कर देख लिया है। कहते हैं किसी चीज को परख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस करके मैंने बात को पता कर लिया है कि जिस जिसने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पाया है, इन्हें जीता है, जिन्होंने अपनी जान इनसे छुड़ाई है, वो तभी पॉसिबल हुआ है जब तूने कृपा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठोक बजाए सब डिठिया, तुसे आपे लैन छड़ाए जो। तूने जिसे छुड़ाया है, तूने जिसे खोला है बंधन से, वो छोटा है, अपने आप कोई नहीं छोटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मेहनत से नहीं, उसके तरस से, गुरु प्रसाद से, उसकी मेहर से कोई छोटा है। हे वाहेगुरु मुझे भी छुड़ा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अरदास का शब्द है कि तरस कर, जिसे तू छुड़ाए वो छूट सकता है, मुझे भी छुड़ा ले। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छुड़ाओ। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छुड़ाओ। एह पितर ते आपने निकट बुला, इनते आप छड़ाओ, इनते आप छड़ाओ। वाहेगुरु आप छड़ाओ, इनते आप छड़ाओ, आप छड़ा, इनते आप छड़ा। वाहेगुरु इनते आप छड़ा, छड़ा इनते आप छड़ा, इनते आप छड़ा, इनते आप छड़ा। ठोक बजाए सब डिठिया, तुस आपे लयन छड़ाए जियो। ठोक बजाए सब डिठिया, मिलाए जियो।
हुक्म हुआ मेहरबान दा मेहरबान वो निरंकार वो गुरु नानक पे हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पै कोई ना किसे रवान दा पै कोई ना किसे रजान दा सब सुखाली उठियां ए हुआ हलेमी राज जियो। जब अरदास कबूल हुई अब उसका हुक्म हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु हुक्म किया पै कोई ना किसे रजान दा अब किसी भी झंझट में किसी भी बुराई में किसी भी गलत काम में मन फंसता नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उसकी कृपा वर्त गई अरदास सुनी गई उसने अरदास सुन ली सब सुखाली उठी अब मन में सुख है मन में सुख है हलीमी राज उसे कहते हैं जहाँ पर कोई दुख नहीं है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जहाँ पर भक्तों के मन की अवस्था है ये भक्तों के मन की अवस्था की बात की गई है जब उसकी कृपा वर्त जाती है अरदास कबूल हो जाती है तो मन वहाँ बसता है जहाँ पर वो राज है जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक बहु मन में शांति है कृपा है उसकी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक चिम चिम अमृत वर्षदा अब क्या हुआ अंदर भीतर नाम का अमृत चल पड़ा बोलाया बोली खसमदा बहुमान किया दुद ऊपरे तू आपे पाए थाए जियो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु और ये किसके हुक्म से हुआ बोलाया बोली खसमदा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु बहु मान किया तू दुपरे मुझे तुझ पर मान है मेरे वाहिगुरु तूने मुझे सही रास्ते डाल दिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु तेरियां भगतां भुख सदि तेरियां जो तेरे भगत हैं उन्हें हमेशा तेरे दर्शनों की प्यास लगी रहती है भूख लगी रहती है वाहिगुरु मुझे भी तेरे दर्शनों की भूख है हर लोचा पूर्ण मेरिया मुझे भी उसी दर्शनों की प्यास है भूख है देहो दर्श सुखदात्या मैं गल विच लेहो मिलाए जियो मुझे भी दर्शन दे दे अपने गले से लगा ले प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये अरदास का शब्द दर्शनों की मांग कृपा की मांग कि वासना से छुड़ा दे ऊंची अवस्था बख्श दे मन में सिमरन शुरू करा दे मन में शांति बख्श दे उस जगह पर अवस्था को पहुंचा दे जहाँ कोई दुख है ही नहीं और अब अपने दर्शन भी दे दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक देहो दर्श दातिया मैं गल विच ले मिलाए जियो देहो दर्स सुख दातिया मैं गल विच ले बोलिए धन गुरु नानक भाई साहब भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया अच्छा कई बार आप छोड़ कर चले जाते हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक आपके शरीर का बिछोड़ा हो जाता है जब आपका शरीर पास में ना हो आपके दर्शन करने हो तो कैसे कर सकते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बड़ा कीमती सवाल है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जवाब दिया भाई साहब भाई नंदलाल जी ने उसे अंकित किया है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं मेरे तीन तरह के दर्शन हैं तीन प्रकार के वो तीनों दर्शन रहत नामे में अंकित हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा जवाब दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि अगर मुझे मेरे दर्शन करने हैं तो ये तीन तरीके हैं मेरे दर्शन हो सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला दर्शन श्रवण कीजिए। तीन रूप है मोह के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सद्गुर शब्द है कहे तो हे समझाए। सुन नंदलाल, मेरे तीन प्रकार के दर्शन हैं। क्या से? तीन रूप है मोह के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सद्गुर शब्द है कहे तो हे समझाए। कि मेरे तीन प्रकार के दर्शन हैं, पहला निर्गुण, दूसरा सरगुण, तीसरा गुरु शब्द है। मैं तुझे ये बात समझा रहा हूँ, कहे तो हे समझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला रूप कौन सा? एक रूप ते गुण ते परे, नेत नेत जह निगम उचरे। पहला रूप कौन सा? एक रूप तह गुण ते परे, जो तीन गुणों से परे है। तीन गुण कौन से? रूप न रेख न रंग के चित्र है गुण ते प्रभ पिन, किसे बुझाए नानका जिस हो वह सुप्रसन्न। ना रूप है ना रेख है ना रंग है, ये मेरा रूप है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जय, जाप साहब जी की वाणी पढ़ते हो ना। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जय, ना मेरा चक्र है ना चिहन है ना वर्ण है ना जात है, भाव निर्गुण स्वरूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते एक तो मेरा निर्गुण स्वरूप है कि मैं हर कण कण में व्यापक हूँ, भाई नंदलाल जी को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कितनी कमाल का पहलू है सात संगत जी। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में परे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुझे परमेश्वर कहेगा वो नरकों में जाएगा, और यहाँ पर खुद भेद खोल दिया कि मैं कण कण में व्यापक हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम में बंधन खुल जाते हैं, पर्दे उठ जाते हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं भाई साहब भाई नंदलाल जी से प्रेम के स्वरूप, उनसे कोई पर्दा नहीं रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रूप रंग अरे रेख पे को कह न सकत कह, अचल मुदत अनुपह प्रकाश अमितोज कही जय, कोट इंद्र इंद्राण सहसहाण गणी जय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा रूप कौन सा है? जो सिख गुर दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मेरे दर्शन करने हैं, दूसरा मेरा रूप है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरा ही रूप है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। जो सिख गुरु दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। आगे क्या कहते हैं, कितनी कमाल का पहलू है। प्रभात समय करके स्नान, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभात समय अमृत वेले स्नान करके तीन प्रदक्षिणा करे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिक्रमा
तीन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मेरे दर्शन करने हैं अमृत ले उठो, स्नान करो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तीन परिक्रमा करो। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के यहाँ पर लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि परिक्रमा क्या है, घूमना ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिक्रमा, अरे ये परिक्रमा नहीं है ना तो समझो जीवन ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर साइंटिफिकली देख लो आप, इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर है, हर चीज़ घूम रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की परिक्रमा कर रही है। सूरज परिक्रमा कर रहा है सौर मंडल की, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूरज की, चांद परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हो गई बड़ी बातें, साइंस पढ़ी है सबने। मॉलिक्यूल की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? एटम्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे छोटा पार्टिकल एटम अभी तक जो मिला है उसकी परिक्रमा, वो परिक्रमा कर रहा है मॉलिक्यूल की। हर चीज़ घूम रही है, पृथ्वी ना घूमे दुनिया तबाह हो जाए, ना मौसम बदलेंगे ना कुछ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर खून दौड़ रहा है, घूम रहा है शरीर में, तो शरीर चल रहा है, रुक गया, हार्ट अटैक आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि हर चीज घूम रही है, चल रही है। इसलिए इस बात को ऐसे कह देना कि घूमना ये नहीं, वो तो फिर चलना भी होता है, पर जो जो कदम गुरु घर की तरफ चले, एक एक कदम का फल कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा से कोई भी चीज़ की जाए, श्रद्धा से, फिर वो कर्मकांड नहीं रहता, वो पाखंड नहीं रहता, वो भक्ति हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, जो सिख गुरु दर्शन की चाहे दर्शन करे, ग्रंथ जी आए प्रभात समय करके स्नान, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मम साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े सुने विचारे साथ। अगर मेरे साथ बात करनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को विचारो और पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बात करूँगा, सच है साथ संगत जी, वाणी से तो जवाब मिलता है सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज कई मिलते हैं कि भाई साहब आपने हमारे मन की बात कह दी। मैंने कोई मन की बात नहीं की, मैं कोई अंतर्जामी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वाणी पढ़ के सुना रहा हूँ। सबके मन के सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की ताकत है, हर एक को लगता है कि मुझे कहा जा रहा है, ये है गुरु साहब जी बातें करते हैं वाणी द्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, पहले दर्शन निर्गुण स्वरूप, दूसरा दर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, तो भाई नंदलाल जी ने तीसरा सवाल किया, पाचा ये तो हो गए, आपसे बात करनी है तो शब्द में डूबना पड़ेगा गहरा, अगर प्रत्यक्ष दर्शन करनी हो जीते जागते स्वरूप में तो क्या करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह तीसरी बात जो कही, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत कीमती, आई दो पंक्तियाँ पढ़ लें। देहो बरस सुखदाते मैं गल बिच ले मिलाए जियो। देहो दरस सुखदाते मैं गल बिच ले मिलाए जियो। देहो दरस सुखदातिया मैं गल बिच ले मिलाए जियो। देहो दरस सुखदातिया मैं गल बिच ले। Thank you.
ना पालिया तू दीप लो पयालिया तुझ जे बटियावर ना पालिया तू दीप लो रव रहिया नानक भगता सच आधार जिया थान धनंतर रव सच आधार जियो देहो दयस सुखदाते गल बेच दे मिलाए जियो देहो दयस से बोलिए धन गुरु भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं पाछा आपने निर्गुण स्वरूप के बारे में भी बता दिया। निर्गुण स्वरूप के दर्शन तो वो कर सकता है जिसकी अवस्था बहुत ऊंची हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है कुर्बान है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पर कि उनके रूप में भी आपके दर्शन हो जाते हैं, पर अगर प्रत्यक्ष दर्शन करने हो तो कैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कमाल का पहलू बताया सात संगत जी। अब ये पहलू भटकाने वाला भी है और सही रास्ते पर डालने वाला भी है। यहाँ पर ज्ञान की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट से कई लोग भटक भी सकते हैं और इस पॉइंट से ही बहुत कुछ लिया जा सकता है, बशर्ते पहचानने वाली आँख चाहिए। यहाँ पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। तीसर रूप सिख है मोर गुरबाणी रत जहनिस पोर। तीसर रूप सिख है मोर गुरबाणी रत जहनिस पोर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तीसर रूप सिख है मोर। अगर मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो मेरे सिख के दर्शन कर ले। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे सिख के। अब सिख किसे कहा है? स्वरूप एक तरफ हो गया, केस है, दाढ़ी है, पगड़ी बांधी है, सिखी स्वरूप हो गया ये। पर ये नहीं कहा कि जिसके जीवन गिरा हुआ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया किसके दर्शन मेरे दर्शन है, किस सिख के।
गुरबाणी रत जह निस भोर, जिसे दिन और रात सिवाय गुरबाणी के कुछ सूझता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में 24 घंटे वाणी चलती हो, सोते हुए भी उठते हुए भी, जिसके भीतर गुरु की उस्तत चलती हो, उस सिख के दर्शन मेरे दर्शन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे सिख कौन है बाबा नंद सिंह जी, ऐसे सिख कौन संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले, जिना सास गिरास न विसरे हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। ऐसे सिख के दर्शन, गुरबाणी रत जह निस भोर, रात को और भोर के समय, दिन रात, रात दिन जिसके भीतर बाणी चलती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे कि हमें मत कहा करो, यहाँ आओ वहाँ आओ, कहते थे अगर कोई बात करनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास कर दिया करो खड़े होके, गुरु नानक से कहा करो, फिर वो हमारे कान पकड़ के हमें अपने आप ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, ये कौन कह सकता है जिसकी हर सांस गुरबाणी से घिस कर आती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था किसकी होती है कि अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आगे करें और सुने संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे सिख जिसकी हर सांस वाणी से घिस कर निकलती है, वो पूर्ण संत होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ऐसे सिख के दर्शन कर ले, समझ लेना मेरे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीन प्रकार के दर्शन, एक ऊँची अवस्था वाले, एक हमारे जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है जो हमें मिले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी के रूप में इनसे बातें हो जाती हैं, देखने वाली अगर आँख मिल जाए तो गुरु नानक बैठा दिखाई दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे हैं एक पूर्ण गुरु सिख के, जिसकी जीवन ऊंचा हो, करेक्टर संभाला हो, जिसका श्वास श्वास सिमरन में बीतता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो दरस सुख दाते मैं गल बिच ले मिलाए जियो। देहो दरस सुख दाते मैं गल बिच ले मिलाए जियो। देहो दरस सुख अपना।
दयाल दर्शन दे अपना ओ दयाल दर्शन दे अपना ओ दयाल ऐसी बख्श करी हाँ
देहो दरस सुख दाते मैं गल बेच ले Right.
प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अजूनी सैभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग प्रसाद जप
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक वोसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक वोसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। I'm not afraid of the dark.
शिव ब्रह्म।